अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला خالدین فیها لا يبغون عنها حولا अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने बेशक असी जनाब अहले ईमान वास्ते अमल करने वाले वास्ते जन्नतुल फिरदौस तैयार की थी है ते जेड़े इंदे च दाखिल होगे हमेशा हमेशा रहेंगे ते ऐसे माल अता किते जाएंगे इन्हां दा अपना दिल भी कदी नहीं करेगा। असी महल बदल लईए, असी कोठी बदल लईए, असी महला बदल लईए क्योंकि दारुस सलाम है दारुस सलाम। तवज्जो करे अज गौर करे अज ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी, जिदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन नसीबा वाले सुबहान अल्लाह बर्तन, ओ जन्नत जिदे विच जमुर्दी जमीना जमीना ते बिछिया सबज रंग कलीना कलीना तेरे शंदे तकिए लगे ने, बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया बगे ने, अंदाजा ना जन्नत दा तुसी ला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नू जुठला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नू जुठला सकोगे। अल्लाह फरमाते ने बशीर लजी आमनु वामिलु सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िको मिन्हा मिन समरतिर रिज़का कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िकना मिन कबल वउतुहु बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतह हरा वहुम फीहा खालिदून। जन्नत दे अंदर हजरात मोहतरम जुमा बाजार लगेगा, जन्नत दे अंदर जुमा बाजार, लोग सैरो तफरी वास्ते निकलेंगे। आज अपने भी बाजार लगते ना, जुमा बाजार, हफ्ता बाजार, मंगल बाजार, पीर बाजार, ते हवा चले ते सारा कुछ ही कट्टा बाजार, कट्टो कट्टी बंदे हो जाते हैं जनाब, शक्ल नहीं पछाणी जांदियां, ते जुमा बाजार लगेगा उत्थे भी हवा चलेगी, जो हवा चलेगी तो बंदे होर सोने हो जाने, हुसन वध जाएगा, घर जाएगा ना अपने माल ले, बेगम वेख के कहेगी आज फिशल कितों कराया है, बड़ी तैयारी है, कहिंदा मेरी कले दी है, तू अपने आप नु भी वेख जरा, तू ही पहले नालों सोहनी हो गई। अल्लाह अकबर, जन्नत दे नजारे ने, जन्नत दियां बहारां ने मुसलमान भाइयो, लिहाजा उस जन्नत नु हासिल करिए। वीर जी दुनिया दियां तकलीफां ते परेशानियां ते टेंशनां ते दुखां दा मुदावा ते असल अंदर उदों होएगा जदों कायनात दा रब जंतियां नु नूर दे सारे पर्दे हटा के अपनी जात दा दीदार कर देंगे। शेखुपुरिया ऐ जनाब पंद्रह पंद्रह घंटिया बारह बारह घंटिया लंबे रोजे और जनाब दिन रात दे जनाब ने कमाल और रात दे लंबे लंबे कयाम ते तिलावत कुरान ते सदका तो खैरात इन्हां सारिया चीजा का मुल ते उदों पवेगा जदों अल्लाह ताला अपनी जात का दीदार कराणगे। इंज जन्नत के अंदर बैठे हुए शहजादे जन्नती अल्लाह की जात का दीदार करेंगे। अल्लाह की जात का तवज्जो करो, तवज्जो, मैं तुहाडे सीने ठारन लगा प्यार दी गल नाल। जदों जन्नत विच घर हो सी, जदों जन्नत विच घर हो सी, किड्डा सोहना मंजर हो सी, जदों सामने सरवर हो सी, दीदार करे सा लखवार करे सा, दीदार करे सा लखवार करे सा, दीदार करे सा लखवार करे सा, दुख दर्द कदी ना होसी सद होसी चैन करारे, उत सब तू वड्डी नेमत
मत मेरे अल्लाह दा दीदारे सब तू वड्डी नेमत मेरे अल्लाह दा दीदारे सोने चांदी दे होने महले नल रेशम ते मखमले दीदार करे सा रखवार करे सा दीदार करे सा रखवार करे सा तेरी खिदमत लई जन्नत विच पूरा गिलमान भी गौसल तू जो जो मंगता जासे सब तेरिया पूरिया गौसल सब तेरिया पूरिया गौसल तख्तां ते टेका लाके तहूरा दे जाम बना के तख्तां ते टेका लाके तहूरा दे जाम बना के कदी विच गलासा पाके दीदार करे सा नखवार करे सा दीदार करे सा नखवार करे सा अल्लाहु अकबर तवज्जो करे आजे जन्नत दियां नेमतां दा जिक्र करदा जावां जन्नत दे अल्लाह दे एहसानात दा जन्नत दे अंदर जिक्र करदा जावां बड़ी तवील गल हो जाएगी बड़ी लंबी फरिश्ते मगर आओ जरा इन्हां नेमतां नूं हासिल किवें करना है जन्नत दा दाखला किवें लभेगा जन्नत दी सरदारी किवें लभेगी जन्नत दी चौधर किवें लभेगी आओ मुसलमान भाईओ गल तवज्जो करन वाली है तालीम तज़किया प्रोग्राम दे अंदर आयो आओ अपना तज़किया करिए अल्लाहु अकबर अपने आप दी तरबियत करिए तालीम देइए अपने आप नूं कि असीं जन्नत किवें जाणा है तवज्जो करे अज उसूल अल्लाह ने दो बयान कीते ने फरमाया वा बशीरिल लज़ीना आमनु वामिलु सालिहात फरमाया सोनिया खुशखबरी उन्हां लोगां वास्ते जेड़े ईमान लैके आए ईमान लैके आणा पहले नंबर ते अगर तुसी ईमान लैके आओ फिर जन्नत तुहाडे वास्ते अल्लाह दी रहमत अल्लाह दी तौफीक नाल है तुसी जिन्ने आके बैठे जे तुसी रब दी रहमत नाल ईमान वाले बैठे जे मगर वीर जी इस बात ते गौर कर लो ईमान इस चीज दा नाम नहीं कि बंदा कवे मैं ईमान वाला वा ईमान इस चीज दा नाम नहीं बंदा ईमान दे नारे मारे ईमान दे दावे करे ईमान इस चीज दा नाम है कि बंदा ईमान इंज दा लियावे जिंज दा रब दा कुरान कहिंदा है इंज दा ईमान लियावे जिवें नबी पाक दा फरमान कहिंदा है ईमान नूं वेखिए आओ जरा कुरान और सुन्नत दी कसवटी ते अपने ईमान नूं तोलीए ईमान नूं पेश करिए क्या ईमान ओ ईमान है जेड़ा ईमान अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने दसिया है अल्लाहु अकबर ईमान किंज दा लियाणा है ए ईमान ते नहीं जेड़ा मुल्कां दे वीज़ियां वास्ते विक जाए ए ईमान ते नहीं जेड़ा चंद सिक्कियां ते टकियां ते विक जाए ए ईमान ते नहीं जेड़ा बरादरी पिछे नरम पै जाए ए ईमान ते नहीं जेड़ा सजना पिछे नरम पै जाए ए ईमान ते नहीं अल्लाहु अकबर जेड़ा अपनी नक वेखे अल्लाह दा कुरान ते हदीस ना वेखे ईमान इस चीज दा नाम नहीं ईमान ते इस चीज दा नाम है अल्लाहु अकबर के मुसफर खेंच वो नक्शा जिसमें ऐसी सफाई हो उधर फरमाने मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर गर्दन झुकाई हो ईमान इस चीज दा नाम है अल्लाहु अकबर ईमान किंज दा लियाणा है दो चीजा नोट करो अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीन कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामो वाले करीम फरमांदे ने जिन्ना आखिया साडा रब अल्लाह है अल्लाह दी वहदानियत ते ईमान ले आए फिर अजमैशां बड़ियां आईयां टेंशनां बड़ियां आईयां तकलीफां बड़ियां आईयां ताने बड़े सुनने पे मारा खाणियां पईयां मगर सुम्मस्तकामो डट गए सगी देते इस्तकामत इख्तियार कीती जिस्म दे टुकड़े कर दिते गए जिस्म नूं दो जनाब अल्लाहु अकबर हिस्सें तकसीम कर दिता गया किते अंगारियां ते लिटा दिता गया ते किते सूलियां ते चढ़ा दिता गया किते अंग अंग नूं कट के ते हार बना लगे मगर ईमान न डोलिया ईमान इस चीज दा नाम है सर कटिया जावे फिर भी बंदा ईमान दा तौहीद दा नारा मारे अल्लाहु अकबर ईमान इंज दा लियाणा है वीर अगर तुहाडा ईमान इंज दा है मुबारक बाप दे मुस्तहिक हो माजरत दे नाल अगर तुहाडा ईमान सिक्कियां ते विकदा है फिर ईमान नहीं
अल्लाहु अकबर। अगर बरादरी दे पीछे लग के तुसी कुरान व हदीस दा इनकार कर देंदे हो फिर ईमान नहीं। जे सज्जन राजी करने वास्ते रब दे कुरान ते नबी पाक दे हदीस नू कंड पीछे कर देंदे हो फिर ईमान नहीं। इमाम ते शहीद दा नाम है। सारी दुनिया एक पासे होवे, नबी पाक दा फरमान एक पासे होवे ते तू आके समझे ना वाटा ना, ईमान शहीद दा नाम है। अल्लाहु अकबर डट जाने अकीदे ते, इस्तकामत इख्तियार कर जानी अकीदे ते, ईमान इस चीज नू कहिंदे ने। अल्लाहु अकबर ए ना समझिया जे कि जन्नत झुंगे च लभ जानी है, मुफत च लभ जानी है। अल्लाह फरमांदे ने अम हसीबतुम अम तदखुलुल जन्ना फलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलहु मिन कबलिकुम। अल्लाहु अकबर की समझदे हो कि जन्नत तुहानू मुफत च लभ जाएगी? नहीं नहीं, जन्नत लैण वास्ते कई इंज दे भी दुनिया ते आए, इन्हां दे सिरां ते लोहे दे आरे चल गए सन। कई इंज दे दुनिया ते आए जिन्हां दे बदन अंदर लोहे दियां मेखां रोप दित्तियां गईआं सन। कई इंज दे दुनिया ते आए उन्हां नूं सूलियां ते चढ़ा दित्ता गया। कई इंज दे दुनिया ते आए उन्हां नूं अंगारियां ते लिटा दित्ता गया। अगर ईमान वेखना होए ना ते सैयदा सुमैया दी सीरत नूं पढ़िया कर। अज ते 12 घंटे दा रोजा रखण वास्ते टेंशन च पै जांदा वी किवें मैं निभाण है। कदी सैयदा सुमैया दी सीरत भी सामने रख, जिहदे जवान बेटे नूं मारा पै रहीआं ने ते खावंद नूं अक्खां दे सामने शहीद कर दित्ता गया है। ते इंज करके रस्सियां नाल जकड़ के जमीन ते लिटाया कौर जात नूं। इक पैर इक ऊंठ नाल बन्निआ है ते दूसरा दूसरे ऊंठ नाल बन्निआ है ते दुश्मन हाथ तलवार लै के सिर ते खड़ोता है। सुमैया हुण दस तेरा कीता की है? अल्लाह नूं वादा उल्ला शरीक मन्नीए या लात मना ते उज़ा नूं वी उहदा शरीक मन्नीए? अल्लाहु अकबर। यार मजा ते इत्थे आंदा ना तौहीद बयान करन दा। फुल्लां पत्तियां दीआं बारिशां दे अंदर त्यार बंदा ही बयान कर लैंदा है। लोकां दे नारियां ते प्रोटोकॉल अंदर त्यार बंदा ही बयान कर दिंदा है। कदी तसव्वुर आप दी दुनिया दे अंदर आ, जमीन ते लेटी है खतून ते सिर ते दुश्मन तलवार लैके खड़ा है ते कहिंदा सुमैया हुण दस तेरा की ईमान है? ते सैयदा सुमैया कहिंदियां ने अल्लाह इक्को ही है, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है। अल्लाहु अकबर। उन्हां ने दौड़ाए जनाब ऊंठ ते सैयदा सुमैया दे जिस्म दे दो टुकड़े कर छड्डे, पेट अंदर मारी तलवार ते जिस्म नूं कट के रख दिता। अल्लाहु अकबर। मगर ईमान नहीं डोलिया। कदी ईमान वेखना होए ते सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दा वेखिया कर। कौन बिलाल है? काले रंग वाला बिलाल है, मोटे मोटे ओठां वाला बिलाल है। अल्लाहु अकबर। आप भी गुलाम, उहदी मां भी गुलाम, उहदा बाप भी गुलाम। ओए चंगा भला खा के भी ना शुक्रिया करन वाले, तीन टाइम दी चंगी रोटी खा के भी कहण वाले सानू रब दित्ता ही की है? निक्की निक्की गल ते जनाब अपने आप नूं मजबूर ते तंग करके गैरां दे सामने सिट देण वाले। मेरे बिलाल मैं नजर दुड़ा, तपदे सरावां ते लिटा लिटा के नुकीले पत्थरां ते मेरे बिलाल दे सारे जिस्म नूं जख्मी कर दिता गया है। ते जमीन ते गर्म रेत ते लेटिया बिलाल, जख्मां नूं रेत लग के जुलसांदी पई है ते सीने ते भारी पत्थर रखिया होया। कदी ये भी दास्ताना ते सामने लैके आया कर, कदी ये भी पैगाम ते सामने रखिया कर। ते गर्मी दी शिद्दत बड़ी है ते धुप बड़ी कहर दी पैंदी पई है ते दुश्मन तलवार लैके सिर ते खड़ोता है। बिलाल दस तेरा की ख्याल है? ते बिलाल आंदा कल भी एक गल कीती ते अज भी यो कहना अल्लाहु अहद, अल्लाह ही कोई है, अल्लाह बेनियाज है, मेरे रब दा कोई शरीक नहीं। तो मैया कहिंदा बिलाल मेरी गल सुन ले, अगर तू इस गल तू बाज ना ना आया तो मैं तलवार मार के तेरी गर्दन उतार छड़ांगा। बिलाल मेरी गल सुन ले, सियाणा बन जा, मेरा गुलाम हो के मेरिया ना फरमानियां करना है। की बन गया तेनू बिलाल? चल बिलाल सौदा कर मेरे नाल, तू रब नू ही मन्नी जा ते लात मनात ते उज्जा ते हुबल नू ही मन्नी जा। बिलाल अगर तू लात मनात ते उज्जा ते हुबल नू ही अपना इलाम मन लवे, मैं तेनू आजाद करना वा, मैं तेनू रिहा करना वा, कोई मार नहीं बल्कि पैसे भी देवांगा। बिलाल ओ यार वेख तसव्वुर आप दी दुनिया चा, मौत अखां नाल नजर पी आंदी है, सिर ते दुश्मन हथियार लैके खड़ोता ते बंदा जमीन ते लेटिया है, कोल कोई हामी नहीं, कोई नहीं छड़ाण वाला, बचाण वाला भी कोई नहीं। कहिंदा बिलाल दस ना की तेरी कैफियत है? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला दा जिस्म सारा जख्मी है, अज गम दा मौका होए ना ते मेरियां तेरियां अखां विचों आंसू निकलदे ने। वाह बिलाल मैं तेरी अजमत नूं सलाम क्यों ना आखां, इस दुख दी घड़ी अंदर मेरे बिलाल दे एक एक जख्म विचों खून दे आ।
आंसू निकलते पै सन। अल्लाह अकबर ते दुश्मन कहिंदा दस बिलाल की तेरा ख्याल है। ईमानी नू कहिंदे नहीं सुनिया। ते हजरत बिलाल ने सारे जिस्म दी कुव्वत नू जमा कीता ते कहिंदे ने अल्लाहु अहद, अल्लाह इको ही है। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल कहिंदे ने उमैया भावें टुकड़े टुकड़े कर दे अल्लाह इक्को ही है। अल्लाह अल्लाह इक्को ही है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामो। अल्लाह फरमाते ने वो लोग जिन्ना आख्या साडा रब अल्लाह है फिर इस्तकामत इख्तियार की थी। इस्तकामत ऐ लोग ने ईमान वाले वीर इंज दा ईमान ने आना इंदा। अगर इंज दा ईमान ने आएगा ते फिर सुन ले सुनिया। अल्लाह अकबर। ईमान बंदे दा इंज दा होवे ते बंदा चलदा मक्के दे नुकीले पत्थरां ते पियाए एदे चलण दियां आवाज़ां अल्लाह जन्नत दियां हूरां नूं सुनाई जांदा है। ईमान होवे ना ईमान हबशो आई शान तक ले, हबशो आई शान तक ले डोलिया नहीं ईमान तक ले काबे उते अजान तक ले। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर तुरदा कौन होर पिया तुरदा ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया तुरदा ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया। काले रंग विच जमाल तक आए हबशा दा इक लाल तक आए। ईमान वेख ईमान वेख। अल्लाहु अकबर। काला रंग ते हबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल लाके कलमा छड़ दे बिलाल नू कहन काफर पत्थर मार दे तलियां चकिल लाके कलमा नहीं छड़ना ए बिलाल गया। ओ तुसी वेख लो अपना दिल लाके रब ने रंग बिलाल दा बंड छड़िया हर सोने मुखड़े ते दिल लाके काले रंग विच जमाल तक आए हबशा दा इक लाल तक आए जिसने सोना बिलाल तक आए। आका पुछ दे जन्नत दे अंदर तुरदा कौन ए होर पिया तुरदा ए ओ जमीन उते जन्नत दे विच शोर पिया। अल्लाहु अकबर। ईमान इंज दा लियाण। दूसरी गल सुनो मेरे मुसलमान भाइयो। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफा। फरमाया ईमान वालियो पूरे दे पूरे इस्लाम च दाखिल हो जो पूरे दे पूरे। ए ईमान ते नहीं जड़ी गल दिल नूं चंगी लगी ओनू मन लिया ते जड़ी तबीयत दे खिलाफ आई ओदा इनकार कर छड़िया ईमान इनू नहीं कहिंदे। अल्लाहु अकबर। रमजान दा महीना शुरू होया नमाज़ां शुरू हो गई तिलावतां शुरू हो गई सदका खैरात शुरू हो गया ज़बान दा अच्छा अखलाक शुरू हो गया। जूं रमजान गया नमाज़ां भी गई हजां भी गई ज़कातां भी गई उमरे भी गए दीन दियां गल्लां भी गई इबादतां भी गई। ओए प्यारे भाईओ रमजान गया ईमान ते नहीं गया। रमजान चू लंघे हो के इस्लाम ही लंघ गए हो। ऐ केड़ा तरीका है रमजान च नमाजां ते रोजे ते ज़कातां ते बड़ा कुछ ते रमजान गया ते बंदे नूं पता ही कोई नहीं दीन की है। 11 महीने मुसलमानी का पता ही नहीं। एक महीने का मुसलमान नहीं चाहिए पूरी जिंदगी का मुसलमान चाहिए। अल्लाह
हर साथ मुसलमान चाहिए ईमान इंज का लियाना है कि पूरे दे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाना है पूरे दे पूरे। बशीर الذین آمنوا ईमान लेके आओ अगर जन्नत चाहिए तो ईमान इंज का ले आओ अगर तुम इंज का ईमान ले आओगे ना सुने तो फिर बशारत सुन लो बशारत पता की लभेगा जे अगर इंज का ईमान ले आओगे। सिलसिला दी सुसैया दी रवायत आका फरमाते ने लोगो जिस बंदे ने मैनू वेख्या मेरा दीदार कीता ते ईमान ले आया ईमान दी हालत ते जिंदगी गुजारी ओदे वास्ते जन्नत दी बशारत मुबारकबाद अल्लाहु अकबर। और फरमाया जिस बंदे मैनू तकिया भी कोई नहीं मैनू वेख्या भी कोई नहीं मेरा दीदार भी कोई नहीं कीता फिर भी मेरे ते ईमान ले आया ईमान दी हालत ते जिंदगी गुजारी ऐसे बंदे वास्ते सात मरतबा जन्नत दी बशारत सात मरतबा शेखुपुरी हो जन्नत दी बशारत। अगर बंदा ईमान वाला होवे ईमान वाला अल्लाहु अकबर पहला काम वीर ईमान लेना है तो दूसरा काम की फरमाया आमनु वामिलुस्सालिहात दूसरे नंबर ते अच्छे अमल करने वाला भी होवे यानी ईमान भी लेना है तो ईमान दे तकाज़ियां नूं भी पूरा करना है ईमान भी लेना है ईमान दे मुताबिक अमल भी करना है क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है जे अमल ना कीता ते ईमान दा फायदा कोई नहीं होना जे ईमान ना होया ते अमल दा फायदा कोई नहीं होना दोनों चीजा लाजिम व मलजूम ने मत किसे कमांड अंदर आ जे मैं ले हदीस हां अकीदा तौहीद मेरे कोल है मैनू अमल दी लोड़ ही कोई नहीं ना ना सुने इस तकब्बर अंदर नहीं आना। नबी पाक अली सलाम ने अपनी बेटी लाडली बेटी सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नु कहा बेटी फातिमा ए ना समझी के मैं नबी दी बेटी हां ते अमल तो बगैर जन्नत ते चली जावांगी नहीं नहीं बेटी ए माली अमल करके जन्नत नु जाना है लिहाजा कर नबी दी बेटी अमल दे बगैर जन्नत च नहीं जाएगी फिर असी किवें बगैर अमल तो जन्नत ते जावांगे। लिहाजा वीर जी अमल करके जन्नत नु जाना जे अपनी जिंदगी अमल वाली बना लो। तुसी सियाने बंदे बैठे हो यार एक बुजुर्ग आदमी सफेद दाढ़ी वाला ओ परले महल्ले च चले ते लाठी दा सहारा लेके मस्जिद चाहे नमाज तहज्जुद पढ़े ते दूसरा नौजवान जड़ा है और सारी रात फिल्म वेख के सो जाए ते फजर भी ना पढ़े ये दोनों बराबर हो सकते हैं बराबर नहीं हो सकते अमल दी जरूरत है अमल दे बगैर निजात नहीं। वबशिरिल लजीना आमनु वामिलुस सालिहात ईमान भी लेना है अमल भी करना है अमल दे एतबार नाल अमल दे हवाले नाल इको हदीस सुन लो मशहूर जमाना हदीस है मगर मैं जड़ी गल करन लगा हूं काबिले गौर जे मैं बड़े दावे नाल बड़े वसूख नाल जनाब कहन लगा वा स्टेज ते बैठा तुहानू सुनियो वीरो अगर तुसी इस हदीस ते अमल कर लो ना ईमान ईमानदारी दी गल है ओ बंदा जिहड़ा अल्लाह दी जात नाल शिरक नहीं करदा और पांच वक्त दी फर्जी नमाज पाबंदी नाल पढ़दा है ओ बंदा इस हदीस मुबारक ते अमल कर ले इंशाअल्लाह बगैर हिसाब दे जन्नत ते चला जाएगा कोई हिसाबो किताब नहीं बगैर हिसाबो जन्नत दे अंदर। तुसी कहना मौलना केड़ी हदीस है हदीस पाक ते गौर करो ना नबी पाक अली सलातो वसलाम जदों मक्का पाक तो हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा अंदर गए ना मदीना तैयबा दे अंदर अल्लाह तुहानू भी लै जाए वो जाना जे मदीने अल्लाहु अकबर मदीना तैयबा दे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम गए ना ते मेरे नबी ने पहला वाद कीता सहाबा दे सामने पहला खिताब कीता इंज सहाबा दे जम्मे गफीरे नबी पाक दे सामने अल्लाह दे नबी वाद फरमा रहे ने या अय्युहन नास क्या खूब मंजर होना है क्या प्यारा मंजर होना है सहाबा नबी पाक दे सामने अल्लाह दे नबी सहाबा दे सामने सहाबा नबी पाक दा वाद भी सुनदे पए ने ते कमली वाले दा दीदार भी करदे पए ने किड्डा सोहणा मंदर है यार अरमान ते साडे दिल च भी बड़े ने प्यार ते साडे दिल च भी बड़ा है अल्लाह सोहणिया सानू भी किते ख्वाब च ही सोहणे नबी दा दीदार करा दे असी भी बड़े तरसियां अल्लाह दे रसूल दे दीदार नू अल्लाह असी तेरी रजा ते राजियां पर साडियां भी नेक ख्वाहिशां ते ऐ ने काश इंजो जांदा इंजो हुंदा इंजो जांदा नबी दा जमाना हुंदा
बखत सुहाना हुंदा। भाई बाबर सलफी साहब का हुक्म सी भी बाकी कुछ ना हो जरूर हो। चलो मैं आखा बाकी भी सब कुछ होएगा तो अभी होएगा इंशाल्लाह। नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना। इंज मुहब्बत च डुब के सुने जे तसव्वर दी दुनिया चा के अल्लाह नू अदा चंगी लग जाए ते अल्लाह ख्वाब च नबी पाक दा दीदार करा दे। नबी दा जमाना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी दीद हुंदी मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी दीद हुंदी अखियां दी दीद हुंदी मस्जिद नबवी विच नित आना जाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा सामने नाना हुंदा। बड़ी प्यारी ख्वाहिश दा इजहार। मैं मेज़बान हुंदा ते सोना मेहमान हुंदा असी मेज़बान हुंदे आका मेहमान हुंदे मैं मेज़बान हुंदा सोना मेहमान हुंदा आका मेहमान हुंदे किसे शाम मेरे घर किसे शाम साडे घर मदनी दा खाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा सामने नाना हुंदा। ज़हरा दे लाडियां नू जन्नती शहजादियां नू ज़हरा दे लाडियां नू जन्नती शहजादियां नू जन्नती शहजादियां नू चुम चुम सीने लांदा चुम चुम सीने लांदा राजी दीवाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा सामने नाना दा पैगाम लै जो अहले हदीसां दा। अल्लाह दी कसम ना असी नासबियां ते ना असी रफदियां असी अहले बैत नाल प्यार करन वाले असी सहाबा नाल प्यार करन वाले। जुमला सुनिया जे मदीने दी गली वेंदा उस्मान अली वेंदा मदीने दी गली वेंदा उस्मान अली वेंदा उस्मान अली वेंदा सिद्दीक ते उमर दा दिल विच यराना हुंदा सिद्दीक ते उमर नाल दिल दा यराना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। और बड़ा ही कमाल दा शेर जे बड़ा वड्डा शेर जे तवज्जो करिया जे अल्लाहु अकबर। इलियास मैं तर जांदा जे तैबा विच मर जांदा असी सारे तर जांदे मदीने विच मर जांदे इलियास मैं तर जांदा मदीने विच मर जांदा तैबा विच मर जांदा पढ़दा जनादा सोना पढ़दे जनादा आका इंज मैं रवाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। अल्लाहु अकबर बात दूर न चली जाए हुजूर मदीना शरीफ तशरीफ लै करके आए आका ने पहला खिताब किया जरे आस्ते मदीना दी बुनियाद रखी जा रही है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह अल्लाहु अकबर तकबीर शाने मुस्तफा अजमते मुस्तफा
लो जी अगला हिस्सा भी सुन लो। मदीने दी रात हुंदी महफिल नात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे सामने बैठे होए साडे ज गरीब हुंदे सिद्दीक नकीब हुंदे आका खतीब हुंदे सामने बैठे होए साडे ज गरीब हुंदे बिलाल नु वेखणे दी साडी भी औकात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी ते काश ऐसा हो जांदा आका जदों वुजू करदे सोना जदों वुजू करदा वुजू लई मैं पानी भरदा इजाज़ो दे कदम ते जींदा मैं उथे मरदा सोना जदों वुजू करदा वुजू लई मैं पानी भरदा इजाज़ो दे कदम ते जींदा मैं उथे मरदा ते इंज दी मैं नौकरी तो वारी कायनात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी मदनी दी जात हुंदी ते शेखुपुरियो जे इंज दा मंदर हुंदा ते फिर की ख्याल है आका खुद इमाम हुंदे ते पीछे है गुलाम हुंदे आका खुद इमाम हुंदे पीछे गुलाम हुंदे सुबह दी नमाज हुंदी सोने दी आवाज हुंदी गुलाम हुंदे सुबह दी नमाज हुंदी सोने दी आवाज हुंदी सोने दी आवाज हुंदी मस्जिद नबवी विच खड़ी ए जमात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी शेखुपुरियो सुबह सुबह दा टाइम है मैं कदी तकरीर च नहीं बार बार आख्या उच्ची कवो ते फिर कवो ते एडवांस कवो सुभान अल्लाह हुण मैं एक जुमला पढ़न लगा वा ते मेरा दिल आंदा है मेरे जज्बात आंदे ने मेरी मुहब्बत आंदी है शेखुपुरे दा ओ बंदा लभ लियाओ जिन्ने कदी सुभान अल्लाह दा जुमला नहीं बोलिया इंशाल्लाह उन्ने भी बोलना जे एडा प्यार वाला जुमला है आका दा बयान सुनदा बिलाल दी अजान सुनदा आका दा बयान सुनदा बिलाल दी अजान सुनदा बदर च जान लई जदों मैं ऐलान सुनदा बदर च जान लई जदों मैं ऐलान सुनदा आका दा बयान सुनदा बिलाल दी अजान सुनदा बदर च जान लई जदों मैं ऐलान सुनदा जदों मैं ऐलान सुनदा ते की करदा हाथ मेरे छड़ी हुंदी ते तप मैनू चढ़ी हुंदी हाथ मेरे छड़ी हुंदी ते तप मैनू चढ़ी हुंदी उतबा ते शहबा दी मेरे हथ मात हुंदी उतबा ते शहबा दी मेरे हथ मात हुंदी मदीने दी रात हुंदी महफिल नात हुंदी अखियां दे सामने मदनी दी जात हुंदी अल्लाहु अकबर
नबी पाक ने वाद फरमाया, फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो, या अय्युहन्नास अफ्युस्सलाम वातिमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नहसुनियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। फरमाया मेरी उम्मत दे लोगो, चार कम करिया करो, चार कम, जेड़ा बंदा है चार अमल करेगा, चार अमल जिंदे च पाए जाएंगे वो सलामती नाल जन्नत ते दाखिल हो जाएगा। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती नाल जन्नत ते दाखिल होण तो की मुराद है? उलमा भी बैठे ने कसीर तादाद अंदर, सलामती तो मुराद की है अज़ाबे कब्र तू बचा ले जाओगे, हशर दियां सख्तियां तू बचा ले जाओगे, पुल सराब ते औखे मरहले तू बचा ले जाओगे, बगैर हिसाबों जन्नत ते चले जाओगे, सलामती तो मुराद ही चीज है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं होएगा, कोई गम और रंज नहीं होएगा आखिरत के अंदर। लिहाजा चार कम करने ने अमल केड़े केड़े, पहला अमल फरमाया अफ्शुस्सलाम, सलाम आम कर छोड़ो, अल्लाहु अकबर सलाम आम करो, अपने नु भी सलाम बुलाओ, बेगाने नु भी बुलाओ, यार नु भी, अगयार नु भी, सज्जन नु भी, दुश्मन नु भी, गोरे नु भी, काले नु भी, आला नु भी, अदना नु भी, अल्लाहु अकबर अमीर नु भी, गरीब नु भी, वीरिया कोठी वाले नु भी सलाम बुलाया कर, चोपड़ी वाले नु भी सलाम बुलाया कर, गड्डी वाले नु भी सलाम बुलाया कर, साइकिल वाले नु भी सलाम बुलाया कर, सोने दी कपड़े दी दुकान वाले नु भी सलाम बुलाया कर, ते फ्रूट दी रेड़ी वाले नु भी सलाम बुलाया कर। सलाम नु आम कर छड़ो, सलाम बड़ा बड़ा फरीदा है, सलाम बहुत बड़ा अमल है। आका फरमांदे ने जेड़ा कहिंदा सलाम अलैकुम, अल्लाह उनु दस ने कियां देंदे ने, ते जेड़ा कहिंदा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, अल्लाह उनु ती ने कियां ता करदे ने। सलाम नु आम करो, छोटा बड़े नु सलाम बुलाए, अल्लाहु अकबर गुज़रन वाला बैठिया नु सलाम बुलाए, थोड़े बहुतिया नु सलाम बुलाण, सलाम च पहल करिया कर, मस्जिद आ सलाम बुला, बाजार जा सलाम बुला, घर जाया कर, बीवी बच्चियां नु भी सलाम बुलाया कर। अज असी इस अमल नु अमल ही नहीं समझदे, हालां अमल किड्डा वड्डा है। हदीस लै जो तोहफा, अबू दाऊद शरीफ की सही रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बंदियां दा अल्लाह ज़ामन है, तीन बंदियां दा अल्लाह ज़ामन। मुहद्दिसीन ने लिखा दो चीजां दा अल्लाह ज़ामन है, जन्नत दा ते रिज़क दा। तीन बंदे केड़े ने? फरमाया जिहड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते जिहाद करन निकलिया, जे शहीद हो गया ते जन्नत दा अल्लाह ज़ामन है, जे गाज़ी बनिया ते फिर रिज़क दा अल्लाह ज़ामन। दूसरा बंदा घरों वुज़ू करके मस्जिद नमाज पढ़ना है, आंदा जांदा फौत हो गया, जन्नत अल्लाह दे ज़िम्मे, जे वापस गया ते रिज़क अल्लाह दे ज़िम्मे। नमाज पढ़न नहीं आता दुकान छड़ के, की मसला के रोजी का मसला, और रिज़क अल्लाह दे ज़िम्मे भाई। तीसरा बंदा फरमाया अपने घर दाखिल होता है तो कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, घर वाले नु सलाम कहता है, मर गया जन्नत अल्लाह दे ज़िम्मे, जे बच गया तो रिज़क अल्लाह दे ज़िम्मे। अल्लाहु अकबर, सलाम बुलाया कर, सलाम नु आम कर छोड़ो, सलाम बुलाया करो। दूसरे नंबर ते आका फरमाते ने वाते मुताम, एक दूजे नु अपने दस्तरखान ते बुलाना है। अल्लाहु अकबर, दस्तरखान ते बुलाया कर, यानी खाना खिलाना, दावत बनाना, भुखियां दा पेट पालना, गरीबा यतीमा मस्कीना बेवा औरतां दे काम आना। फरमाया खाना खिलाया कर, कदी अपनियां बहनां नु बुला दिया कर, कदी अपने भाइयां नु बुला दिया कर, कदी रिश्तेदार बुला लिया कर, दस दस किस्म दी डिशां तैयार करके, चार बंदे घर दे चार फर्द बैठे ने जनाब अफ्तारी करन। अल्लाह दिया बंदिया, तेरे मोहल्ले च कई यतीम होने ने, जिन्हां को राशन कोई नहीं, उन्होंने भी बुला ले। कई हज़रात मोहतरम मसाकीन होने ने, जिन्हां दे घर दे अंदर राशन कोई नहीं, उन्हां दा भी ख्याल कर ले, अल्लाह बड़ा राजी होंदा ही। कई यतीम ऐसे ने जेड़े रोजिया अंदर भी दीवारां नाल लग लग के सोचते ने, अबू आंदा ते असीं भी खैर नाल रोजे रखते। कई बेवा औरत ऐसिया ने कि मेरे सिर का ताज होंदा, मेरिया बच्चियां भी रोजे रख लेंदियां चंगी चीज खा के, मगर साडे अंदर ऐसा शऊर ही नहीं बेदार होंदा। अज मेरी तेरी बेहिशी की वजह करके, ना खर्च करन की वजह करके, भुखियां नूं ना खिलाण की वजह करके, मुआशरा इतनी दूर पहुंचा है, तेनू पता भी है कि शायद नहीं, तेरे शेखुपुरी दियां शेखुपुरे दियां किन्नियां औरत ऐसिया ने, यतीम बच्चियां की भुख बर्दाश्त नहीं होंदी, अपना पेट अपना जिसम बेच के
अपने बच्चों नू पाल दियां पईयां ने। अल्लाह दे बंदिया ख्याल करिया कर ऐसे लोगों का, यतीमा मस्कीना ते खर्च करन वाला बन जा, अल्लाह तेरे ते राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब हफीज़हुल्लाह, उन्हें कई किताबा लिखिया ने, एक किताब लिखी जनाब दुआओं के सुने, दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाकयात। उसके अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया लिखते ने, रियाज दे एक बंदे नू ना ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर एक बंदे का चेहरा विखाया जाता है, उसका नंबर भी नोट कराया जाता है, ते आवाज आती है, मैं तेनों बड़ा माल दिता है, मेरे इस बंदे नू अल्लाह दे घर मेरे घर दियां ज़ियारतां कराना। एक दिन ख्वाब आया, दो दिन आया, तीन दिन ख्वाब आया, अल्लाह अकबर, ते तीसरी रात इन्हे उसका नंबर नोट कर लिया, उन्हें कॉल मिलाई, कहिंदा भाई तू कौन है, कितने रहना रहने वाला, वो जनाब बड़े दूर दे इलाके दा देहात दा रहण वाला बंदा। ते आजी कहन लगा, वीर कौन है, उन्हें दसिया अपने मामलात, कहिंदा आ जा मेरे को रियाज, मैं तेनां मिलना चाहना आ गया। कहिंदा भाई मैनू ख्वाब आंदा है, मैं तेनू अल्लाह दे घर बैतुल्ला दी ज़ियारत करावां। आंदा जी मैं ते गुनाहगार ही बड़ा, ते खताकार ही बड़ा, वो होर कोई मुकद्दरा वाला होएगा जिहड़ा तुहाडे ख्वाब विच आंदा। नहीं भाई, तेरा चेहरा विखाया जांदा है, तेरा नंबर नोट कराया जांदा है। आंदा लै चलो जे रब दी रहमत जोश अंदर आईए, आ गया अल्लाह दे घर बैतुल्ला। अल्लाह अकबर। रब दे घर दे तवाफ कीते, हजे बैतुल्ला अदा कीती, ते जदों वापस आने का टाइम होया ना, वापस आने का तुसी जानदे हो शेखुपुरी हो, जेड़े अल्लाह दा घर वेख के आए जे, दो मंजर बड़े ही अजीब होंदे ने। जदों बंदा पहली दफा इंज जनाब हरम अंदर दाखिल हुंदा है, ते इंज सामने बैतुल्ला ते पहलियां नजरां पैंदियां ने, ते बंदे दियां अखां ज़ारों की तारा पईयां सू गिरान लग पैंदियां ने। अल्लाह मैं भी इस काबल सी कि तू मैनू अपने घर दा दीदार करा दिता है। ते दूसरा मंजर जदों तवाफ अलविदा करके बंदा आरम विच बाहर आंदा है, ते बंदा अगे नू आ रहा होंदा है, दिल पिछे नू जा रहा होंदा है, पता नहीं मौला मैं दोबारा आना के कोई ना आना, पता नहीं दोबारा मौलता मिलनियां के कोई ना मिलनियां। दुआ करिया कर, अल्लाह ताला हर अमीर गरीब नू अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैनू बाबा जी की याद आई, बाबा जी अली मुहम्मद समसाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर तुसी तवज्जो करो मैं तुहाडे सीने ठारना प्यार दी गल नाल, अल्लाह मुद्दत गुजरी है सिख दियां नूं जोगी सांग बनाण नूं जी करदे, अल्लाह मुद्दत गुजरी है सिख दियां नूं जोगी सांग बनाण नूं जी करदे, तेरे दर ते दवाले नठ नठ के मेरा फेरियां पाण नूं जी करदे, मेरा दिल करदे मेरा जी करदे बैतुल्ला अखियां दे विच फिरदे, बैतुल्ला अखियां दे विच फिरदे, पल्ला चुक के काबे दे सीने तो, पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाल लगान नूं जी करदे, अल्लाह मुद्दत गुजरी है सिख दियां नूं जोगी सांग बनाण नूं जी करदे, तेरा घर वेखा तेरा दर वेखा तेरे घर विच रख रख सर वेखाओ, तेरे घर विच रख रख सर वेखाओ, तेरे घर विच रख रख सर वेखा, जिथे एक नमाज दी लख बन दी उथे उम्र लंघाण नू जी करदे, अल्लाह सफा मरवा तेरे शायर ने जिथे मंगियाए एक शायर ने, जिथे मंगियाए एक शायर ने, अम्मा हाजर वांगू बेसबरी, अम्मा हाजर वांगू बेसबरी नाल गेड़ियां लाण नू जी करदे, अल्लाह मुद्दत गुजरी है सिख दियां नू जोगी सांग बनाण नू जी करदे। ए मौला करे
करीम अगर तू सानू बुला ले फकीरां नू तेरा जाना कुछ नहीं साडा काम बन जाना है अल्लाह तू सानू ज़ियारत करा दे। कहन लगा हाजी साहब जान ते लगे हां गरीब बंदा मैं दोबारा शायद ना वा इजाजत दियो ना मुल्ल दियो ते मैं जां दीवार दियां दौलतारां विच पढ़ लवां। आंदा जवान पढ़ ले उहने यतीम विच जाके नमाज शुरू कर दित्ती है। नमाज पढ़दा पढ़दा शेखुपुरिया सजदे गया ते सजदे दी हालत च बंदा अल्लाह नू प्यारा हो गया इहनू मौत आ गई सजदे दी हालत अंदर। हाजी हैरान परेशान है आंदा इह कहिंदा सी मैं गुनाहगार हां अल्लाह तू इहनू सजदे दी हालत ते मौत दित्ती गल की है। कह लै गया वापस दफनाया बीवी नू पुछण लगा नी करमा वाली है बहना मैनू सच्ची सच्ची दसना तेरे खावंद च केड़ी एड्डी वड्डी ने की सी कि अल्लाह ने एड्डी सादत दी मौत दित्ती है उहनू। ते बीवी कहण लगी हाजी साहब मेरा खावंद वाकई गुनाहगार जिहा बंदा बहुतियां तहज्जुदां पढ़न वाला नहीं सी मेरा खावंद गुनाहगार बंदा सी पर एक गल जरूर है ऐ जिहड़े साडे हमसाए ने चार साल हो गए औरत बेवा हो गई है उहदे तीन चार छोटे छोटे यतीम बच्चे ते मेरा खावंद मजदूर आदमी कोई रईस आदमी नहीं ते जदों जांदा मजदूरी ने तू शाम शाम नूं वापस आंदा जितना राशन अपने बच्चियां वास्ते लियांदा इन्ना इन्ना यतीमां वास्ते भी लियांदा। ते मैं कई वारी शक दी नज़र नाल वेखिया कि ते इस औरत नाल नजह ताल्लुक ही ना होवे इस औरत नाल मेरे खावंद दा निकाह ही ना कीता होवे मगर मैं ते चार साल च इक वार भी नहीं वेखिया कि मेरा खावंद उहदे घर दी दलीद लंघिया होवे। दरवाजे ते समान रख के कुंडा खड़का देंदा है यतीम चुक के राशन लै जांदे ते खा लैंदे ते बीबी मोहल्ले च जिहड़ी औरत कोल बैंदी है ते कहिंदी अल्लाह ओ जिहड़ा तेरा नेक बंदा मेरे यतीमां नूं पालदा पिया है अल्लाह सुणिया ओहनू ईमान वाली दौलत अता कर ते ईमान दी हालत च ओहनू अपने घर बैतुल्ला दे च मौत अता कर दे। ते अज ही कहिंदा अल्लाह मैनूं ते अज पता लग्या मैं ते एवें ही गाफरिया ओ जिहड़ा यतीमां मस्कीनां ते खर्च करे अल्लाह तूं अपने घर बैतुल्ला बुला के वुजू करा के नमाज निता के सजदे दी हालत च मौत अता कर देना है। अल्लाह अकबर वाती मुताम वीर खाना खिलाया कर गल खत्म करिए। फरमाया वसीलुल अरहाम तीजा काम में करना है कि सिला रहमी करनी है यानी रिश्ते नाते तोड़ने नहीं रिश्ते नाते जोड़ने ने मोहब्बतां करनिया ने। शेखुपुरिया ऐज लंबे लंबे रोजे ते रात दे लंबे लंबे कयाम वेखी जाया ना कर लवी इन्हां लड़ाइयां अंदर कते रहमी अंदर झगड़िया के अंदर असी बड़े अजीब लोग हाँ पहली सफ दे नमाजियां तहज्जुदां पढ़न वाले हाँ सके भरा नाल सलाम नहीं लेंदे सकी भैन नूं वेड़े नहीं वड़न देंदे। वलना अब्दुल मनान राशिक साहब हफीज़ाहुल्लाह अपनी तकरीर अंदर तुहाडे शेखुपुरे की गल सुना रहे सन कहिंदे ने मैं एक जगह बयान करन गया ते मैनूं लोकी कहण लगे मौलाना इत्थे एक मोहल्ले दे अंदर गली अंदर एक मां जी 10 सालां तों बीमार पईआं ने ते आंदियां ने अगर मौली साहब मेरा पता लै जाण ते दिल राजी हो जाएगा। कहिंदे ने मैं चला गया हड्डियां दी मुठ बनी पई है बीबी ते मैं जाके दुआवां देण लग पिया ते बीबी उची उची रोण लग पई। मैं कहा मां जी अल्लाह दियां मर्जियां ने अल्लाह सेहत देवेगा परेशान ना होवो ते ओह होर उची रोण लग पई। ते मैं कहा बीबी गल की है ते कहिंदी मौलाना बीमारियां ते लग जांदियां ने ते अल्लाह दियां मर्जियां ने ते मैं रब दी रज़ा ते राज़ी रोंदी ते इस गल नूं पईआं तुसीं बेगाने हो के पता लैण आ गए नाल दी गली च सक्का परा रहिंदा है 10 सालां तू बीमार पईआं कदी पुछण नहीं आया 10 सालां तू चार पई ते मौत दे इंतजार अंदर आ कदी उहदे दिल च रहम नहीं आया भैण दा पता लै लवां वीर सिला रहमी करिया कर सिला रहमी करिया नाराजगी बन भी जाए ते अल्लाह वास्ते माफ कर दे। हाका फरमांदे ने जिहड़ा बंदा अल्लाह वास्ते हक ते होण दे बावजूद माफ कर देंदा है अल्लाह जन्नत दे फ्रंट ते उहनूं महल देगा। इस गल दी जमानत मैं अल्लाह दा नबी तुहानूं देना गल मुक गई ते मेरा सलाम जे हुजूर फरमांदे ने वसल्लू बिललैलि वन्नासुनियाम फरमाया लोगो चौथा काम ही करना है जदों दुनिया सौ जाए ना उदों अल्लाह दी बारगाह च सजदे करने ने नमाज तहज्जुद पढ़नी है रब दी इबादत करनी है। फरमाया जिहड़ा बंदा है चार काम करेगा तदखुलुल जन्नत बिसलाम अल्लाह ताला उहनूं सलामती नाल जन्नत अता कर देवेगा जन्नत मिलेगी मगर कैसे हुजूर भाई जान ईमान लियाण नाल ते जनाब नेक अमल करन नाल जन्नत तुहाडे नामे अलाट हो जाएगी। और केड़ी जन्नत लौ जांदियां जांदियां सीने ठारां तुहाडे ओए विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे
उत्थे रहमतां दे चलदे फुवारे होणगे। पुजी कोई मच्छी दी मेहमानी होएगी, हमेशा रहन वाली बई जवानी होएगी। जैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। मुच्छा दाड़ी कोलू शकल बिन याद होवेगी, हुसन यूसुफ नबी दा दाऊद दी आवाज होएगी। 33 साल दे जवान उथे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। खांदे वन ते सवन उथे फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। कस्तूरी वाले लगे उथे गारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। आखरी शेर जे पर एडा वड्डा कमाल दा शेर है, अगले साल भी तुहानूं याद रहेगा इंशाअल्लाह। तवज्जो करे अजे सीने ठरणगे, चेहरियां ते रौनक आएगी तुहाडे। कैसा समा यारो पुरबाहार होवेगा, कैसा समा यारो पुरबाहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। ते मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह जी विच जन्नतां दे तकदे ऐ सारे होणगे, विच जन्नतां दे तकदे ऐ सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला خالدین فیها لا یبغون عنها حوالا।